गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स, मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, अपने घरों में होंगे। कोविड-19 जो वैश्विक महामारी है, इसके जो प्रिकॉशंस हैं, साबुन से हाथ धुलना, 2 गज की दूरी बनाए रखना, चेहरे पर मास्क लगाना और बहुत आवश्यक होगा तभी घरों से बाहर निकलना, इसको फॉलो कर रहे होंगे। इस वैश्विक महामारी से हमें ये प्रिकॉशन को ध्यान में रखते हुए इससे लड़ना है, इसको हराना है। आगे चलते हैं। हम लोग जो अध्ययन कर रहे थे अपनी पिछली कक्षाओं में, हम लोगों ने अध्ययन किया कि आदर्शवाद को अंग्रेजी में आइडियलिज्म कहते हैं। आदर्शवाद क्या है? आइडियलिज्म सही अंग्रेजी होती है आइडिया, आइडिया का मतलब विचार से बना हुआ, विचारवाद भी कहा जाता है। आदर्शवाद का एक नाम और है विचारवाद, इसको अध्यात्मवाद भी कहते हैं। अध्यात्मवाद, विचारवाद, अध्यात्मवाद। तो आदर्शवाद दर्शन की एक विचारधारा है, एक तरह का दर्शन है आदर्शवाद। अब मैंने दर्शन क्या है आपको बताया था, दर्शन चिंतन की उच्चतम सीमा है। ज्ञान के साथ प्रेम करना, सत्य क्या है उसको जानना, जीवन क्या है, मरण क्या है, आत्मा है कि नहीं, परमात्मा है कि नहीं, ये संसार को किसने बनाया, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, इन सारी बातों की विवेचना। कहने का मतलब है कि सत्य की तार्किक, वस्तुओं का तार्किक विवेचना, सत्य को खोजना ही दर्शन है। और इसी दर्शन की एक विचारधारा है आदर्शवाद। आदर्शवाद को अगर परिभाषित करने के लिए कहा जाए कि आदर्शवाद क्या है, तो आदर्शवाद के जो प्रणेता हैं वो प्लेटो हैं। प्लेटो को आदर्शवाद का प्रणेता कहा जाता है, प्लेटो आदर्शवाद का प्रतिपादक है। आदर्शवाद के सिद्धांतों को अगर हम आपस में पिरो दें तो आदर्शवाद की परिभाषा बन जाती है, और उसी परिभाषा को अगर हम अलग अलग कर दें तो वही आदर्शवाद के सिद्धांत बन जाते हैं। अब आदर्शवाद दर्शन की वह विचारधारा है जो इस पूरे विचार जगत को सत्य मानती है। वो मानती है कि ये जो संसार है वो विचारों से बना है, वो विचारों को मानती है, और वह भौतिक संसार को असत्य मानती है। 2 तरह के संसार वो मानती है, एक विचार जगत और एक भौतिक जगत। तो वो कहती है कि विचार जगत ही सत्य है, भौतिक जगत जो है वो मिथ्या है, असत्य है। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत क्षणभंगुर है, नाशवान है। आज कोई चीज़ है, दिख रही है, भूकंप आएगा, आंधी आएगी, तूफान आएगा, वो नष्ट हो सकता है, लेकिन जो हमारे विचार हैं, जो हमारी आइडिया है, वो कभी अपरिवर्तित रहते हैं, मतलब परिवर्तन उनमें नहीं होता। तो विचारों की अपनी एक महानता है, विचार कभी बदलते नहीं, तो विचार जगत सत्य है। आदर्शवाद दर्शन की वह विचारधारा है जो इस विचार जगत को सत्य मानती है, भौतिक जगत को नाशवान मानती है, असत्य मानती है, मिथ्या मानती है, क्षणभंगुर मानती है, और इस आध्यात्मिक संसार को वह सत्य मानती है। विचार जगत का मतलब आध्यात्मिक, आध्यात्मिक संसार क्या हुआ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, कि वह आत्मा में विश्वास करती है, परमात्मा में विश्वास करती है, और वह मानती है कि इस पूरे सृष्टि का, इस पूरे ब्रह्मांड का रचयिता ईश्वर है। ईश्वर ने ही अपने विचारों से इस पूरे संसार को बनाया है। तो देखिए, यही मैं सिद्धांत सब बता रहा हूँ कि आदर्शवाद दर्शन की एक विचारधारा है जो इस विचार जगत को सत्य मानती है, भौतिक जगत को असत्य मानती है, और आध्यात्मिक संसार को सत्य मानती है, और यह प्रतिपादन करती है कि इस ब्रह्मांड का निर्माण ईश्वर ने किया है। आत्मा को वह ईश्वर का एक अंश मानती है, कि आत्मा ईश्वर का एक अंश है, और मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, अंतिम उद्देश्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति करना। मोक्ष की प्राप्ति का मतलब होता है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन,
और वह कैसे हो सकता है? वह सद्गुणों की प्राप्ति से हो सकता है। सद्गुण कौन कौन से हैं और हमारे वो शाश्वत मूल्य कौन कौन से हैं? सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम शाश्वत मूल्यों के द्वारा मानव जीवन अपने अंतिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ये आदर्शवाद की परिभाषा है। आदर्शवाद के अगर अब हम सिद्धांत की बात करें तो मुझे विश्वास है कि आप लोग आदर्शवाद की परिभाषा या आदर्शवाद के अर्थ को समझ गए होंगे। मैं पुनः एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि आदर्शवाद के प्रतिपादक प्लेटो हैं। इसका प्रादुर्भाव पश्चिम में हुआ, पाश्चात्य दर्शन के अंतर्गत इसको वहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ। प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, लेबनीज, बहुत सारे दार्शनिक हुए हैं जो आदर्शवादी कहे जाते हैं। आदर्शवाद को मानने वाले दार्शनिकों को हम आदर्शवादी कहते हैं। तो आदर्शवाद की परिभाषा की बात करें तो आदर्शवाद दर्शन की एक विचारधारा है जो इस विचार जगत को सत्य मानती है और यह प्रतिपादन करती है कि इस आध्यात्मिक जगत को ईश्वर ने बनाया है। आत्मा को वह ईश्वर का अंश मानती है और भौतिक जगत को नाशवान मानती है। यह मानती है कि मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है जो सत्यम शिवम सुंदरम के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। सत्यम शिवम सुंदरम ये तीन शाश्वत चिरंतन मूल्य हैं। जो सत्य है वही शिव है और जो शिव है वही सुंदर है। और इसी को अगर आप उलट करके कहेंगे तो सुंदर ही कल्याणकारी होता है और जो कल्याणकारी होता है वही सत्य होता है। और सत्य की तार्किक विवेचना ही दर्शन है। और सत्य जैसे एक बीज है, वो बीज सत्य है और जब बीज को हम जमीन में बो देते हैं, उसको उचित प्रकाश, उचित मिट्टी, उचित हवा, उचित टेम्परेचर, सब कुछ उसके अनुकूल इन्वायरमेंट मिलता है, तो वही बीज जो सत्य है वो शिव का रूप ग्रहण करता है। शिव का मतलब वो एक पौधा, पौधे से वृक्ष बनता है। तो सत्य ही शिव है, वो कल्याणकारी है, वो लोगों को छाया दे रहा है, फल दे रहा है, हवा दे रहा है, हमारे वातावरण को शुद्ध कर रहा है। और जो कल्याणकारी होगा वही सुंदर होगा। तो ये हमारे तीन शाश्वत मूल्य हैं, आध्यात्मिक मूल्य हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। तो इन्हीं से मानव जीवन के अंतिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। अब हम आदर्शवाद के सिद्धांत की बात करेंगे। तो आदर्शवाद का जो पहला सिद्धांत है उसी परिभाषा को आप तोड़ दीजिए, सारे सिद्धांत बन जाएंगे। पहला है कि यह संसार विचार जन्य है। विचार जन्य का मतलब है विचारों से बना हुआ है। जन्य का मतलब जाना गया। यह संसार विचारों से बना है। विचार चूंकि परिवर्तित नहीं होते, अपरिवर्तित रहते हैं, जबकि भौतिक जो जगत है वो नाशवान है, क्षणभंगुर है, वो परिवर्तित होता है। इसलिए भौतिक जगत को सत्य नहीं माना और माना। आदर्शवादियों का विश्वास है कि ब्रह्मांड की एक नियामक सत्ता है और उसी नियामक सत्ता को ईश्वर कहा उन्होंने, और उसी ईश्वर ने अपने विचारों से इस पूरे सृष्टि का निर्माण किया। तो पहला सिद्धांत हो गया यह ब्रह्मांड विचार जन्य है। दूसरे सिद्धांत की हम बात करते हैं, यह भौतिक जगत विचार जगत का प्रकटीकरण मात्र है। मतलब भौतिक जगत को गौड़ कहा और विचार जगत को प्राथमिक कहा। भौतिक जगत विचार जगत का प्रकटीकरण मात्र है। कहने का मतलब विचार सत्य है, भौतिक जगत क्षणभंगुर है। वो दिखता तो जरूर है लेकिन हो सकता है आज है कल न रहे। तो विचारों को महत्व दिया, आध्यात्मिक जगत को महत्व दिया। तीसरा कि आत्मा एक आध्यात्मिक तत्व है और परमात्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। आत्मा को आध्यात्मिक तत्व कहा, परमात्मा का अंश माना। आत्मा क्या है आदर्शवाद के अनुसार? एक आध्यात्मिक तत्व है और परमात्मा को सर्वश्रेष्ठ आत्मा माना। और अगला सिद्धांत, चौथा सिद्धांत है कि मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मानव को इस पूरे यूनिवर्स का सबसे अच्छा क्रिएटिव माना और मनुष्य को कहा कि
बहुत प्रकार की बुद्धि होती है, विवेक होता है, बहुत आध्यात्मिक संस्कृतियाँ होती हैं, उसमें आध्यात्मिक शक्तियाँ होती हैं। इसलिए मनुष्य जो है वो इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, क्योंकि उसमें आध्यात्मिक शक्तियाँ होती हैं। उसकी सभ्यता, उसकी सांस्कृतिक कला, इसके द्वारा वो अपने चिरंतन मूल्यों को, सांस्कृतिक मूल्यों को प्राप्त कर सकता है। और मनुष्य का विकास उसकी आध्यात्मिक शक्तियों पर निर्भर है। मनुष्य का विकास आध्यात्मिक शक्तियों पर निर्भर का मतलब होता है कि भौतिक विज्ञान की प्राप्ति भौतिक शक्तियों के द्वारा होती है। भौतिक शक्तियाँ इंद्रियाँ, आप जानते हैं इंद्रियाँ, आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, इनके द्वारा भौतिक संसार भौतिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। और आध्यात्मिक शक्तियों की प्राप्ति आत्मा के द्वारा होती है। तो आध्यात्मिक शक्तियों की प्राप्ति के कारण ही मानव का विकास होता है, ये आदर्शवादियों का मानना है। और मनुष्य अगला सिद्धांत है, छठा सिद्धांत है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है। आत्मानुभूति का मतलब होता है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब होता है ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाना ही मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य है। तो मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। कहने का मतलब है अज्ञानता को त्याग करके पूर्णता को प्राप्त कर लेना। और सातवां सिद्धांत है कि आत्मानुभूति कैसे होगी, आध्यात्मिक मूल्यों के द्वारा होगी। मैंने कहा आध्यात्मिक मूल्य कौन कौन से हैं, सत्यम, शिवम और सुंदरम। जो सत्य है वही शिव है और शिव ही सुंदर है, ये परमात्मा के ही रूप हैं, परमात्मा रूपी रवे हैं। और मैंने आपको बताया कि इन्हीं शाश्वत मूल्यों के द्वारा, इन्हीं आध्यात्मिक मूल्यों के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगला सिद्धांत है आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति के लिए, मतलब सत्यम, शिवम, सुंदरम की प्राप्ति के लिए नैतिक आचरण आवश्यक है। अब ये नैतिक आचरण क्या होते हैं, जैसे मूल्य हुआ, धर्म हुआ, नीति हुई, तमाम प्रकार के आदर्श हुए। जब ये सारी चीज़ें, एक जो प्राणियों में ईर्ष्या है, द्वेष है, इनको त्याग करके सामाजिक भावना के साथ एक निकट मनुष्य के पास इन्हीं कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सत्यम और शिवम सुंदरम के दर्शन हो सकते हैं। तो इस प्रकार मनुष्य के इस लोक और परलोक दोनों को सुखमय बनाने का आधार प्रस्तुत करता है आदर्शवाद। तो आदर्शवाद मूल्यों की प्राप्ति के लिए, सत्यम, शिवम, सुंदरम की प्राप्ति के लिए नैतिक आचरण पर बल देता है। नैतिक आचरण आप जानते हैं कि अच्छा आचरण, सद आचरण, अपने मूल्य की बात करना, धर्म की बात करना, नीति की बात करना, आदर्श की बात करना। और राज्य एक सर्वोच्च सत्ता है, ये लास्ट सिद्धांत है कि आदर्शवादी प्लेटो जो था वो सत्य और पूर्ण पर विचार करने वाले व्यक्तियों की कल्पना न कर सका, तो उसने सत्य विचार को ही राज्य स्वीकार कर लिया। तो राज्य का मतलब क्या हुआ, सत्य विचार। और तमाम हीगल हुए, फिक्टे हुए, उनके लिए अलग अलग। अब देखिए, ये मैंने आपको दर्शन बताया। अब मैं अपनी अगली कक्षा में आपसे डिस्कस करूँगा कि आदर्शवाद जो दर्शन की विचारधारा है उसका क्या इम्पैक्ट है शिक्षा पर, आइडियलिज्म कैसे प्रभावित कर रहा है एजुकेशन को, ये आपको पढ़ना है। तो अगली कक्षाओं में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।